बिग बॉस के घर से निकलने के बाद कंटेस्टेंट को धड़ाधड़ ऑफर आने लगे हैं। अब सीजन 16 को ही देख ले तो सीजन खत्म भी नहीं हुआ है और कई कंटेस्टेंट को फिल्म से लेकर शो तक मिल गए हैं। निर्मित कौर अहलूवालिया एकता कपूर की फिल्म में दिखेगी। वहीं शिव ठाकरे के पास अगला शो खतरों के खिलाड़ी भी है। इस बीच खबर है कि बिग बॉस 16 की एक कंटेस्टेंट शाहरुख खान की आने वाली फिल्म डंकी में भी बॉलीवुड करेगी। शाहरुख खान की पठान इस वक्त सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है। इसके बाद वह जवान और डंकी में दिखेंगे। बिग बॉस 16 की कंटेस्टेंट प्रियंका चहर चौधरी को डंकी में रोल ऑफर हुआ है। शो में सलमान खान पहले ही प्रियंका को हीरोइन मटेरियल बता चुके हैं। उन्होंने यह भी हिंट दिया था कि जब वह बाहर आएंगी तो उनके लिए कुछ खास है। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया था कि वह किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सूत्र की माने तो फिल्म के निर्देशक राजकुमार हिरानी पंजाब से आने वाली एक लड़की की तलाश कर रहे थे जो उस रोल में फिट हो सके। सलमान खान ने हिरानी के प्रोड्यूसर हाउस को प्रियंका का नाम सुझाया, जिसके बाद एक्ट्रेस की टीम से संपर्क किया गया। सूत्रों ने कहा कि यह बहुत बड़ा रोल है, लेकिन यह बड़े पर्दे पर प्रभाव छोड़ने के लिए काफी है। प्रियंका को यह रोल इसलिए मिल रहा है क्योंकि वह पंजाबी है, वह चंडीगढ़ में रहने वाली है और इस रोल के लिए फिट बैठेंगी। उनकी एक्टिंग स्किल्स को फैंस ने पहले ही देखा है। डंकी पंजाब से अवैध रूप से कनाडा और अमेरिका जाने वाली कहानी है। फिल्म में शाहरुख खान और तापसी पन्नू लीड रोल में है। यह फिल्म 22 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बिग बॉस 16 में प्रियंका को देखे तो उनका सफर बहुत अच्छा रहा है और वो टॉप कंटेस्टेंट में भी रही है। शो के फिनाले में कुछ दिन बचे हैं और आने वाले एपिसोड में क्या क्या होगा ये तो एपिसोड आने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं प्रियंका विनर बने तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।